स्तनधारी व्याघ्र प्रकल्प में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाघों की अटखेलियों का चित्र पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित कर रहा है, आइए देखते हैं इस खबर में। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में सचमुच पर्यटकों की भीड़ देखी गई है, क्योंकि पर्यटन सीजन अपने चरम पर पहुंच गया है। ताड़ोबा का मुख्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि बफर जोन भी बाघों की एक झलक पाने के लिए उत्सुक पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब भी बफर जोन के बाघ कोर जोन के बाघों से प्रतिस्पर्धा करने लगे है। नतीजा यह है कि पर्यटक कोर जोन की बजाय बफर जोन में ज्यादा नजर आ रहे हैं। यह बात यहाँ के बाघों को भी मालूम है और पर्यटकों को इस बफर जोन से बाघों के नए नए अजूबे देखने को मिल रहे हैं। पर्यटन सीजन होने के कारण इस व्याघ्र प्रकल्प के दोनों क्षेत्रों की सफारी लगभग पूरी तरह बुक हो चुकी है। गर्मियों में स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों के कारण ताड़ोबा टाइगर रिजर्व अन्य अभयारण्य और बाघ परियोजनाओं की तुलना में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसा एक वीडियो नवेगांव निमढेला सफारी क्षेत्र से सामने आया है। गर्मी का मौसम होने के कारण पानी में गोते लगाते, पानी में बैठकर मस्ती करते और पानी पीते बाघ हर जगह नजर आते हैं। हालांकि हाल ही में आए एक वीडियो में बाघों ने सभी को हैरान कर दिया है। बाघी नयन तारा और बाघ डेडली बॉयज नवेगांव निमढेला सफारी क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकाय के किनारे टहल रहे थे। झील का पानी बहुत साफ था और इस पानी में उसका प्रतिबिंब बहुत साफ था। ऐसा लगता है जैसे दो बाघ झील के किनारे पर दो बाघों के साथ झील का चक्कर लगा रहे हैं। वन्यजीव अभ्यासक कांचन पेटकर और डेक्कन ड्रिफ्ट के प्रमुख पीयूष आंकरे ने इस पल को कैमरे में कैद किया, लेकिन साथ ही पर्यटक भी हैरान रह गए। नवेगांव निमढेला सफारी क्षेत्र में पर्यटकों को एक ही समय में चार बाघों को घूमते देखने, झील में नयन तारा और डेडली बॉयज का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने का अद्भुत अनुभव हुआ।